आप ये वीडियो बीच में छोड़ के भागो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको वैसा कुछ भी नहीं बताने वाला जिसकी बात लगभग हर वीडियो में हो रही है। जब आप देखते हैं कि अपना नया साल बेस्ट कैसे बनाएं, नए साल की शुरुआत कैसे करें, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर वीडियोज़ में यही बात हो रही थी। सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो, फ़ोन चलाना कम करो, ये हैबिट बनाओ, वो हैबिट बनाओ और न जाने क्या क्या। मैं ये सब नहीं बताने वाला। इस वीडियो के एंड होते होते आज आप यहाँ से एक ऐसी चीज़ ले जाने वाले हो जो आपकी पूरी जिंदगी पलट के रख सकती है, ध्यान से समझते हो अगर तो। बिना एक सेकंड भी वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। तो मैंने दो अलग अलग लोगों को देखा है अपने ऑब्जर्वेशन से। एक तरफ एक ऐसा इंसान जो पिछले 3 साल से काम कर रहा है, 1 साल के अंदर ही उसने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया और अभी उसकी इनकम है करीबन 6 से 8 लाख रुपये महीना। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो पता नहीं कितने साल से मेहनत कर रहा है, लगभग 7 से 8 साल तो हो ही गए होंगे, और उसकी अभी इनकम है लगभग 40,000 के करीब। इसने पहले वाले से लगभग 5 से 6 साल एक्स्ट्रा मेहनत की और इनकम भी कम है ऊपर से। तो क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी कुछ सालों में ही बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी अपने कई साल लगाने के बाद भी ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता उनके? है तो दोनों इंसान ही, फिर ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं मेहनत, टैलेंट, इंटेलिजेंस इनकी बात ही नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है किसी भी हालत में, जो आज हर 10 में से 8 लोग कर रहे हैं, प्लस एक ऐसी चीज़ जो आपको करनी ही करनी है अगर आप कम मेहनत, कम टैलेंट के साथ बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में। तो पहले बात करते हैं उस मिस्टेक की। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनी होगी आपने। पूरी कहानी सुना के आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन अपनी बात रखने के लिए, पॉइंट क्लियर करने के लिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसके लिए इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। गौतम बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ जा रहे होते हैं किसी गांव की तरफ, तभी रास्ते में उन्हें छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए दिखाई देते हैं। तो किसी एक संत ने भगवान बुद्ध से पूछा कि स्वामी जी, रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? ऐसा किसी ने क्यों किया होगा? बुद्ध ने जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया होगा और जब उसे एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और दूसरी जगह नहीं मिला तो तीसरी जगह खोद दिया, और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। तो यही सेम गलती आज हर 10 में से 8 लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी लाइफ धक्के खाने पड़ते हैं। यानी एक चीज़ लेते हैं पहले किसी को देखकर या किसी की बात सुनकर, उसे करना शुरू करते हैं, थोड़े टाइम बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता तो दूसरी चीज़ लेके उसमें शुरू हो जाते हैं, उसमें कुछ होता नहीं दिखता तो फिर तीसरी चीज़, इस तरह चलता रहता है। कुछ स्टडीज़ करी गई और उसमें देखा गया कि 18 से 24 साल की उम्र में एक एवरेज इंसान लगभग 6 से 7 बार अपने गोल्स या अपना करियर चेंज करता है, यानी वो लगभग हर साल एक अलग चीज़ पर काम करता है। यानी लोग अपनी लाइफ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साल जो होते हैं, जिस उम्र में उनके पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत टाइम होता है, उसको वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों, अलग अलग गोल्स पर काम करने में, अलग अलग जगह गड्ढे खोदने में। तो ये थी वो मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। करना क्या है वो सुनो आप ध्यान से। आप अभी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट एक्टर, क्रिकेटर के बारे में सोचिए। तो जहाँ आज वो हैं, जिस मुकाम पर वो है, वहाँ क्यों है? मैं मेहनत, किस्मत, पैसन इनकी बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ गधों की तरह ज़्यादा मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलती। सीधी बात बताऊं तो दोस्त, कुछ नहीं होना वो हैबिट बनाने से, ये हैबिट बनाने से, सुबह जल्दी उठने से, अगर एक क्लियर गोल नहीं है आपके पास। वीडियो के शुरू में मैंने जो 2 लोगों की बात की थी, तो उस 8 लाख वाले और 40,000 वाले में सिर्फ एक डिफरेंस था। वो था कि पहले वाले बंदे ने सिर्फ एक चीज़ पर काम किया, उसके पास एक क्लियर गोल था, जबकि दूसरे ने हर साल अलग अलग जगह हाथ पैर मारी। साल 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 80% लोग बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी पर्पस के घूम रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। हर 10 में से 8 बंदी। कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनना अब, यदि आपको यही नहीं पता कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो ये दुनिया आपसे वो सब करवाएगी जो वो चाहती है। दूसरे लोग तय करेंगे कि आपको क्या करना है। आपका फेवरेट सेलिब्रिटी जहाँ आज हैं, वहाँ इसलिए है क्योंकि वो एक चीज पर टिका रहा। वो इतना कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो सोचो अगर आप कुछ साल किसी चीज़ को देते हो तो आप कुछ तो कर ही जाओगे लाइफ में। अपने एरिया में या जहाँ आप रहते हो, कम से कम वहाँ अपनी अलग पहचान जरूर बना जाओगे। सो पॉइंट यही है कि अपने लिए एक गोल बनाओ, सोच समझ कर, रिसर्च करके, टाइम लगा के एक चीज़ फिक्स करो, फिर पूरी तरह से झोंक दो उसमें खुद को। जाते जाते कमेंट्स में कमिटमेंट करके जाओ, लिख के जाओ कि आप क्या करने वाले हो इस नए साल में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।